Next interesting example regarding combination of function calling statement and some increment operators or arithmetic operators. In that case, first of all, we are calling main functions. According to main functions ke according memory allocate karenge its local variables. Here we are creating stack diagram respect to given programs. First one, according to main functions, local variable is created A with initial value as 1. Second step के according जब इसे expressions को call करेंगे. Previous case में discuss किया था, अगर कोई भी arithmetic expression available है containing binary operators, अगर किसी भी expressions के अंदर binary operators available हैं, binary operator के respect में सबसे पहले solve क्या करेंगे, first operand then second operand. But in that case, this is the different case. Different case means इस केस में अगर मल्टीप्लिकेशंस के बिहेवियर को फॉलो करोगे देन मल्टीप्लिकेशंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले सॉल्व क्या होगा, फर्स्ट ऑपरेंड दिस वन इज सेकंड ऑपरेंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑपरेंड प्लस प्लस ए मींस प्री इंक्रीमेंट. प्री इंक्रीमेंट मींस ए में प्री इंक्रीमेंट करेंगे देन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2. देन स्पेस पर रिप्लेस भी क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई. देन क्या कॉल क्या हो रहा है इस केस में, m1 फंक्शन, m1 के अंदर पोस्ट इंक्रीमेंट फाउंड हो रहा, पोस्ट इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग m1 कॉलिंग में सप्लाई क्या करेंगे वैल्यू ऑफ ए. करेंटली ए का वैल्यू क्या है 2, देन इंक्रीमेंट इन पोस्ट ए मींस अकॉर्डिंग टू पोस्ट इंक्रीमेंट नाउ ए बिकम्स 3. दिस द जनरल बिहेवियर ऑफ एनी बाइनरी ऑपरेटर. बट इन दैट केस दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. व्हाई? इन केस ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, अगर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में किसी भी बाइनरी ऑपरेटर के लिए फर्स्ट ऑपरेंड ऑर्डिनरी ऑपरेंड है लाइक अ वेरिएबल और वैल्यू, सेकंड ऑपरेंड कौन सा कैसा एज अ फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट. इस केस में पहले फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट रिजॉल्व होगा देन इट्स प्रीवियस ऑपरेंड. देन इस केस में मींस किसी भी एक्सप्रेशंस के अंदर अगर ऑपरेटर्स प्लस फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट फाउंड हो रहा है देन सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोवाइड करेंगे टू द फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग m1 बिकॉज व्हाई according to brackets because parentheses will takes high priority over the remaining operators. That's why we are calling m1 functions. m1 ke respect mein found kya ho raha hai a++ means previous case ke sath completely wrong. Again main starting se resolve kar raha hu same expressions. First one, allocating variable a with initial value 1. Second case ke according multiply mein pehle second operand resolve hoga m1 mein a++ पोस्ट है तो पहले ए का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ए का करंट वैल्यू फाउंड हो रहा है 1, देन इंक्रीमेंट इन ए नाउ ए बिकम्स 2. आफ्टर दैट वी आर कॉलिंग m1 फंक्शन जब कॉल होगा कंट्रोल सेंड होगा हेडर ऑफ द m1 के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट करेंगे लोकल वेरिएबल ऑफ द m1 फंक्शन व्हिच इज x. करंटली x के लिए वैल्यू क्या पास किया है 1. नेक्स्ट वन प्रिंट एफ, एक्स का वैल्यू 1 पास हो इसलिए प्रिंट एफ से एक्स का वैल्यू क्या प्रिंट होगा जा 1. देन अकॉर्डिंग टू स्लैश एन लाइन चेंज हो जाएगा देन रिटर्न एक्स. करंटली एक्स का वैल्यू फाउंड हो रहा 1 इसलिए इसे रिटर्न क्या हुआ इट्स कॉलिंग प्लेस आल्सो 1. देयरफॉर वी आर रिप्लेसिंग हियर रिटर्न वैल्यू ऑफ द प्रीवियस फंक्शन एज 1. देन सॉल्व होगा मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग प्लस प्लस ए. प्लस प्लस ए में सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट परफॉर्म होगा इसलिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3. रिप्लेस भी क्या करेंगे इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ ए व्हिच इज 3. 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज रिजल्ट इज 3 असाइन टू द बी. नाउ वैल्यू ऑफ बी बिकम्स मींस इस केस में टोटल 2 वेरिएबल्स थे, एक और वैल्यू क्या होगा बी. बी के केस में असाइन किया हुआ जस्ट 3 एंड आउटपुट क्या आएगा इसका. नेक्स्ट वन डिस्प्ले वैल्यू ऑफ ए बी, ए का वैल्यू भी 3 है बी का वैल्यू भी 3 इसलिए डिस्प्ले क्या होगा इससे 3 3. This is the final output of this program.